दोस्तों, नींद ना आने का जो एक प्रॉब्लम है, जो एक बीमारी है, ये ज़्यादातर आपका 10 फैमिली में से 7 से 8 फैमिली को हमेशा दिखाई देता है कि किसी ना एक बंदे को या फैमिली का उसमें क्या होता है कि उनको नींद नहीं आता है। तो नींद ना आने का ये जो बीमारी है, इसके लिए आप 3 किस्म का इसका ट्रीटमेंट होता है। एक आप एलोपैथी कर सकते हो, आयुर्वेदिक कर सकते हो, या फिर होम्योपैथी, किसी एक ट्रीटमेंट से भी आप इसका इलाज कर सकते हो जिसमें आपको सुविधा मिले। लेकिन दोस्तों, नींद नहीं आने का जो ज़्यादातर जो दवाई वगैरह होता है, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है, तो इसमें एक प्रॉब्लम दिखाई देता है हमेशा कि इन एलोपैथी दवाई में ज़्यादातर प्रैक्टिकली दिखाया गया है, कहीं पे थ्योरिकली नहीं है, ये प्रैक्टिकली जो दिखाया गया है कि उनको हैबिट हो जाता है वो नींद की गली के ऊपर, यानी कि ज़िंदगी भर उसको, ज़िंदगी भर ना होने से भी कुछ दिन तक तो उसको कंटिन्यू नींद का गोली चाहिए होता है उसको नींद आने के लिए। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है, इसका इलाज क्या है, अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें तो किस तरीके से किया जाता है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये सभी चीज़ लेके मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले स्वागत है मेरा SDR TV चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ नींद लेके थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ कि नींद, स्लीपलेस जो होता है, तो ये किस कारण से होता है, ठीक है, इसका उपाय क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, एलोपैथी यूज़ करने से क्या प्लस पॉइंट है, और आयुर्वेदिक यूज़ करने से या फिर होम्योपैथी यूज़ करने से इसका क्या प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि नींद का जो गोली होता है जो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ज़्यादातर दिखाई देता है कि उनको थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाता है, यानी कि वही दवाई उसको लेना ही पड़ता है एनी टाइम जब उसको नींद चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को देखना चाहिए कि एक्चुअली नींद किस कारण से नहीं हो रहा है, क्या वो टेंशन का कारण से हो रहा है, इस कारण से आपको नींद नहीं आ रहा है, कि आपको कुछ चीज़ लेकर आपको बहुत सारा ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन में आप चला जा रहे हो, एंग्जाइटी जिसको कहा जाता है, उसके बाद आपका प्रेशर हाई है, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा हाई हो गया, जिस कारण से आपको नींद नहीं आ रहा है। तो मेन पर्टिकुलर रीज़न क्या है पहले वो आपको नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कारण से मुझे नींद नहीं आ रहा है, तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ज़्यादातर दिखाई देता है कि टेंशन के कारण से, डिप्रेशन के कारण से आदमी को नींद नहीं आता है। तो आदमी क्या करता है कि किसी टाइम में ऐसे दिखाया जाता है कि कोई एक बंदा कुछ चीज़ को लेकर टेंशन करते करते वो पूरा एक दिन वो बिता ही देता है कि उस चीज़ को टेंशन करते करते कि ये नहीं हुआ तो अब मेरा क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक साधारण सा एक नॉर्मल सा फंडा है। अगर यार आपको अगर एक दिन आपको वेस्ट करना है तो ख़राब चीज़ क्यों सोच रहे हो, टेंशन जब आप लेते हो तो ख़राब आदमी तो ये होता है ना, टेंशन में आदमी को नींद नहीं आ रहा, मतलब क्या वो दिन भर वही चीज़ नेगेटिव सोचते सोचते उसको नींद नहीं आ रहा है, जब सोचना है तो पॉजिटिव सोचिए, ऑटोमेटिक आपको नींद नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आपको कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं नींद को, मतलब जो बीमारी है उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरे पास जो पता है ये है आपका आयुर्वेदिक का स्लीपलेक्स एक टैबलेट है, जो जिस कंपनी बनाती है वो है मॉडर्न हर्ब्स रेमेडीज बोल के, और इसका MRP भी बहुत कम है, 39 रुपीज़ है, यानी कि 40 रुपया। और ये जो पत्ता है ये आपको नींद, खाली नींद पूरा नहीं करता है, इसका साथ एंग्जाइटी से लेके, टेंशन से लेके, डिप्रेशन से लेके, जितना भी आपका प्रॉब्लम होता है ये सबको ये ठीक करता है। बस आपको रात में सोने का टाइम में एक टैबलेट आपको लेना पड़ेगा डेली, ठीक है, या फिर सुबह एक ठो रात को आपको ये लेना पड़ेगा, तो इसमें आपको नींद भी आपका कम्प्लीट होगा, जो प्रॉब्लम जिस कारण से आपका नींद का प्रॉब्लम हो रहा है वो भी ठीक होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक औषधियाँ है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, स्लीपलेक्स बोल के कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप में आपको मिल जाएगा, ये बहुत बढ़िया दवाई है। साइड इफेक्ट अगर कहा जाए तो उतना सारा साइड इफेक्ट तो इसका दिखाई नहीं देता है, अभी तक प्रैक्टिकली दिखाई नहीं गया। हाँ, अगर नॉर्मल कोई भी साइड इफेक्ट हो, कुछ भी साइड इफेक्ट आपको नॉर्मल हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। तो इसके बदले में अगर आप ब्राह्मी सिरप भी ले सकते हो, ब्राह्मी जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुकी है, उसमें भी आपको नींद का जो डिप्रेशन वगैरह, टेंशन वगैरह है उसको हटाने के लिए आप ब्राह्मी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप योगा वगैरह भी कर सकते हो, तो आपको नींद का अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों नींद नहीं आने का जो कारण था वो भी मैंने बता दिया, आप ट्रीटमेंट कर सकते हो आयुर्वेदिक को, वो भी मैंने बताया, साइड इफेक्ट बता दिया, इसका MRP है जो भी मैंने बता दिया। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि जब आप सोच रहे हैं तो अच्छा सोचिए, टेंशन मत कीजिए, टेंशन आएगा जाएगा, ठीक है, थोड़ा बॉडी को मेंटेनेंस कीजिए, योगा वगैरह कीजिए, तो आपका नींद का जो प्रॉब्लम है ये डेफिनेटली कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे, अच्छा लगने से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग DR TV, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।